वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो हम आई दृष्टि का करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखेंगे। हमने नेशनल अफेयर्स जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है पिछले तीन वीडियोस में, जो आप पीछे जाके देख सकते हो। आज कवर करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है? तो देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में कंटिन्यू करते हैं। तो पहला न्यूज़ है, इंडिया एंड मलेशिया एग्री टू सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपी, ठीक है? तो इंडिया और मलेशिया ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो इंडियन रुपी में जो है वो ट्रेड करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे नेक्स्ट है, मलेशिया जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, कहाँ पर? एशियन रीजन में, ठीक है? एशियन में रीजन में देखेंगे तो मलेशिया जो है इंडिया का थर्ड पार्टनर है, और टॉप पे कौन है? सिंगापुर एंड देन आफ्टर इंडोनेशिया, ठीक है? सिंगापुर टॉप पे है एशियन रीजन में, एंड देन इंडोनेशिया, और थर्ड पे मलेशिया। तो अभी यहाँ पे कैपिटल भी देखते हुए चलते हैं। मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलंपुर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूटान किंग्स विजिट इंडिया। तो अभी रिसेंटली भूटान के जो किंग है, जिनका नाम है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, वो इंडिया में आए थे। डेट आप थोड़ा देख सकते हो, अप्रैल 4, 2023 को। तो भूटान का कैपिटल पहले देख लेते हैं, क्या है? थिम्फू, ठीक है? कैपिटल्स क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो भी इंटरनेशनली जो भी कंट्रीज हैं उनको, फॉरेन कंट्रीज का हम कैपिटल्स भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो प्रोजेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान के बीच में है। तो चुखना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, जो बिगेन हुआ था कब? 1986 में, फाइन। एंड देन उसके बाद दूसरा है, एग्रीमेंट साइन हुआ उसको अब इंडिया क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी, उसको स्टार्ट करेगी, ठीक है? उन्होंने साइन किया है कि चुखना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसको फिर से इंडिया स्टार्ट करेगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना। एंड देन सेकेंड इज कि इंडिया जो है वो जो वहाँ का प्रोजेक्ट है भोशु हाइडर प्रोजेक्ट, वहाँ से क्या करेगी? पावर जो है परचेज करेगी भूटान से। और ये भोशु हाइडर प्रोजेक्ट बनाया किसने था भूटान में? ऑस्ट्रियन के सपोर्ट से 2008 में ये बना था। तो याद रखिएगा, एक तो ये इंडिया का प्रोजेक्ट है चुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ओके, और ये जो बासुछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किसके हेल्प से बना है वहाँ पे? ऑस्ट्रिया के हेल्प से, ठीक है? और यार इंडिया क्या करेगी इससे जो है पावर परचेज करेगी। और क्या साइन हुआ है एग्रीमेंट? और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जाएगा, ये पहला भूटान के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनाया जाएगा? एट जैगोंग एंड प्रपोज्ड कोकराजहर गेलिफू रेल लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये जो हमारा ये कोकराय हर जो है ये कहाँ पर है? ये इंडिया में है, ठीक है? इंडिया में कौन सी, इंडिया में कहाँ पे? कोकराज हर टाउन जो है असम में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गौरंग, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में रेल लिंक जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है? अभी प्रपोज हुआ है। तो याद रखिएगा, कोकराजपुर कहाँ पर है? कोकराजहर कहाँ है? असम में है, कौन सी रिवर के पास? गौरंग रिवर के पास, ठीक है? और इंडिया और भूटान का जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो कहाँ बनेगा? जैगोंग में। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा कि कौन सा लिंक प्रोजेक्ट हमने भूटान के साथ साइन किया है। नेक्स्ट है, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन UPI एंड पेनाउ। तो ये पेनाउ किसका है? पेनाउ है सिंगापुर का, ठीक है? जैसे हमारे वहाँ UPI चलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे ही सिंगापुर का चलता है पेनाउ। तो इंडिया और सिंगापुर ने साइन किया है कि UPI और पेनाउ से जो भी इंडिया में कोई अगर सिंगापुर का पर्सन रह रहा है या फिर इंडिया के पर्सन वहाँ जा रहे हैं और उनको पैसे भेजने हैं, तो वो UPI से जो है पे नाउ पे पैसे भेज सकते हैं, ठीक है? तो उनको अब लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया? RBI ने, ठीक है? सिंगापुर बिकेम फर्स्ट कंट्री, ठीक है? याद रखिएगा कि सिंगापुर जो है फर्स्ट कंट्री है
जिसके साथ पर्सन टू पर्सन पेमेंट जो है साइन हुआ है, किसके बीच में? यूपीआई एंड पे नाउ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग हुआ है किसके बीच में? इंडिया एंड मॉलदीव्स के बीच में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली किसके साथ हमारा डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग हुआ है, तो आप याद रखिएगा इंडिया एंड मॉलदीव्स के साथ। कब हुआ है? मार्च 19, 2023। और मॉलदीव्स का कैपिटल क्या है? मेल। एंड सिंगापुर का क्या है कैपिटल? सिंगापुर ही, ठीक है, सिंगापुर सिटी। नौ, इंडिया एंड सीसेल्स साइन एग्रीमेंट ऑन मैरिटाइम कोऑपरेशन, ठीक है। तो सीसेल्स का कैपिटल क्या है? कैपिटल है विक्टोरिया, विक्टोरिया, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी इंडिया और सेशेल्स ने जो है मैरीटाइम एग्रीमेंट जो है मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ये किसके किसके बीच हुआ है? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन साइंड इन एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ किसके बीच है? एक तो हो गया आईएफसी आईओआर और रीजनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन सेंटर, जो कि कहाँ पर है? सीसेल्स में। और इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका है गुरुग्राम में, ठीक है। और इसके जो आईएफसी आईओआर के हेड कौन है? कैप्टन रोहित वाजपेयी। ओके, और उनकी तरफ से कौन था? तो वो थे आपके कैप्टन सैम गॉन्टियर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये आईएफसी आईओआर कब लॉन्च हुआ था। ये आपका लॉन्च हुआ था 2018 में। और इसको होस्ट कौन करता है? इसको होस्ट करता है इंडियन नेवी। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं, जो आई इंडियन ओशन नावल सिंपोजियम के जो मेंबर्स हैं, वही इनके भी मेंबर्स हैं, ठीक है। और एक, हाँ, इंडियन ओशन जो नावल सिंपोजियम है वो कब फॉर्म हुआ था? वो फॉर्म हुआ था आपका 2008 में। तो ये आपका फॉर्म हुआ था आईएफसी, आपका फॉर्म हुआ था 2018 में। जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आप उसको लिखते भी लिख सकते हो अगर इफ यू नीड, ठीक है। 2018 में इसको बनाया गया था। एंड उसके जो कौन किसके अंडर में आता है, तो ये आपका आता है इंडियन नेवी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग। तो फर्स्ट ये इंडिया और यूएस के बीच कमर्शियल डायलॉग मीन्स हो गया कि ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, तो ये हमारे आते हैं कमर्शियल डायलॉग में। तो यहाँ कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, 10 मार्च 2023 को। और ये कमर्शियल इन अकॉर्डेंस विद किसके, ये जो रीलॉन्च हुआ है, ठीक है, ये कमर से पहले भी ऐसा कमर्शियल डायलॉग हो चुका है इंडिया और यूएस के बीच में। और ये जो है कब हुआ था? वो 2021 को। तो अभी आप ये याद रखिएगा कि रिसेंटली कमर्शियल डायलॉग किसके साथ हुआ है, तो इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। किस लिए? टू स्ट्रेंथ है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो देख लेते कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है पीयूष गोयल, एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स गीना रायमोंडो, ठीक है। ये दोनों ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल ट्रेड के लिए है, तो ट्रेड मिनिस्ट्री ही इसमें इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट है हमारा इंडिया ऑस्ट्रिया कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है साइन हुआ है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? सभी को पता होगा वियना इसका कैपिटल है। ओके, ये आपने देखा। और इसके पहले इंडिया ने कितने कंट्रीज के साथ साइन किया? तो फ्रांस के साथ साइन किया है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड फिनलैंड। और ऑस्ट्रिया ऐसा कंट्री है,
फर्स्ट कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने साइन किया है जो नॉन ओईसीडी मेंबर है, ठीक है? ओके, देन ये मोबिलिटी किसके लिए है? जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रिया में पढ़ना चाहता है, या ऑस्ट्रिया का कोई स्टूडेंट इंडिया में पढ़ना चाहता है, रिसर्च के लिए, एकेडमिक्स के लिए, ठीक है, माइग्रेशन फॉर प्रोफेशनल एंड इकोनॉमिक रीजन से, ठीक, कोई अगर आना चाहता है एक दूसरे की कंट्री में तो आ सकता है। द एग्रीमेंट विल रेगुलेट मल्टीपल वीजा एंट्री वीजास, ठीक है? तो आप एक ही वीजा से मल्टीपल टाइम एक दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। और ये प्रोग्राम लाया गया किसके अंडर में, ये साइन किया गया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि इंडिया का है, ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। ऐसा ही इंडिया ने किसके और साथ साइन किया था, यूके के साथ भी पिछले साल। और ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट यहाँ देखिए लिखा है, द फर्स्ट सच एग्रीमेंट रीज बाय ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया विद एनी कंट्री, जो कि एक जिसके साथ तो एक तो वीजा रेजीम है और प्लस वो नॉन ओईसीडी मेंबर है। मतलब इंडिया जो है ओईसीडी का तो मेंबर है नहीं, फिर भी ऑस्ट्रिया ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। सिमिलर एग्रीमेंट जो है इंडिया ने किसके किसके साथ साइन किया, जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल, यूके एंड डेनमार्क, और भी कंट्रीज है इस तरह के। इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ वेस्टनार एग्रीमेंट, तो इस बार इंडिया के पास चेयरमैनशिप है वेस्टनार का एग्रीमेंट का, ठीक है? कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 1 जनवरी 2023 से इंडिया की चेयरमैनशिप स्टार्ट हो रही है। जो इसका 26th एनुअल प्लेनरी ऑफ जो वेस्टनार एग्रीमेंट, सॉरी, हाँ, इसी का कहाँ पे हुआ था, वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ था, कब? 1 दिसंबर, सॉरी, नवंबर, 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 में, ठीक है? उसी समय जो है आयरलैंड ने जो है हैंड ओवर कर दिया था चेयरमैनशिप इंडिया को, ठीक है? देखिए यहाँ पे हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप टू एम्बेसडर जयदीप मजुमदार। ओके, तो दो ये आयरलैंड के चेयरमैनशिप में था, लेकिन कहाँ पे हुआ था इसका सबमिट, वियना में। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था वैसेनार एग्रीमेंट, 2017 में, और इसका ये 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट है। तो इंडिया का आप याद रखिएगा किसने कब ज्वाइन किया था, इसने ज्वाइन किया था 2017 में, ठीक है? और जो ये वैसेनार एग्रीमेंट बना कब था, ये आपका बना था 1996 में, जो कि ये बाइंडिंग नहीं है, वॉलेंट्री है, ठीक है? अगर कोई इसके अंदर आता आना चाहता है तो आराम से आ सकता है, और इसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसे अगर वॉलेंट्रीली वो फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, अब इसी में हम देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कब फॉर्म हुआ था, 1985 में, ठीक है? याद रखिएगा वेस्टनार आपका 1996 में, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आपका 1985 में, किस लिए? टू कंट्रोल केमिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके वेपन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आया था, जो कि फॉर्म हुआ था 1985 में, ठीक है? इंडिया जो है इसका भी मेंबर है, और इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 2016 में। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जिसको हम शॉर्ट में MTCR कहते हैं, वो कब बना था, वो बना था आपका 1987 में। किसने फॉर्म किया था, G7 कंट्रीज जो है उन्होंने इसको फॉर्म किया था टू रिड्यूस, अब ये किसके लिए बना था, टू कंट्रोल, जिससे मिसाइल्स बनते जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? और अनमैन्ड एरियल व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी आपको याद है, चलिए, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आपका हो गया 1985, और MTCR हो गया आपका 1987, एंड आपका वेसनार एग्रीमेंट हो गया 1996, ठीक है? तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग। तो इंडिया और फ्रांस में के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए हैं। तो जो इमैनुअल बोन है, ये एक तो ये G7 और G20 फ्रांस की तरफ से G7 और G20 के शेरपा है, ठीक है? इन्होंने विजिट किया था इंडिया में, और ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्या नाम है उनका, अजीत डोवल, उनके साथ जो है इनका
मीटिंग हुआ था और इन्होंने स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स किए थे, मतलब कैसे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो भी स्ट्रैटेजिकली चीजें होती हैं वो इनके साथ बातें हुई थी, डायलॉग्स हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया इजिप्ट डिक्लेयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कैरो, पता ही होगा। ठीक है, चलिए फ्रांस का तो पता है पेरिस, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इंडिया इजिप्ट जो है अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर किया इन्होंने, तो वहाँ के जो है प्रेसिडेंट एलसीसी फर्स्ट इजिप्टियन प्रेसिडेंट है, जो एज अ चीफ गेस्ट जो है इंडिया में आए थे। कब आए थे? रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन एज अ चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया था। इंडिया जो है ऑलरेडी इजिप्ट का सेवेंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो याद रखिएगा इंडिया इजिप्ट का सेवेंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक, चलिए, और इंडिया जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें जो है इंडिया अपना एक स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन बनाएगी इजिप्ट के पास, इजिप्ट में। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप करेंगे स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, उसके लिए इजिप्ट जो है इंडिया को लैंड प्रोवाइड करेगी। तो याद रखिएगा स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन कौन बना रहा है? इंडियन इंडस्ट्रीज। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, तो सार्क कब बना था? सार्क आपका बना था 1985 को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉलदीव्स के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया। अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है जैसे कि मतलब चाहे जैसे कि मॉलदीव्स की कोई करेंसी है, ठीक है, और इंडिया की करेंसी रुपी, तो अब ये दोनों ने अगर स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, तो ये आपस में अगर ट्रेड करेंगे तो इंडिया इनकी करेंसी एक्सेप्ट कर सकती है और मॉलदीव जो है इनकी रुपी जो हमारी इंडिया करेंसी है उसे एक्सेप्ट करके एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फैसिलिटी कब आया था आपका? 15 नवंबर 2012 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा 15 नवंबर 2012 में आपका आया था सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी। तो उसी के अंडर में मॉलदीव्स ने जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। ठीक है, कौन साइन किया है? आरबीआई। चलिए, कितने डॉलर का? 200 मिलियन। ठीक है, डॉलर 200 मिलियन का आरबीआई के साथ साइन हुआ है। ऐसे ही पहला एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ अभी किया था रिसेंटली? श्रीलंका के साथ। ठीक है, कितने डॉलर का था? 400 मिलियन का। चलिए नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है लॉन्च किया है किसके लिए? फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स, जो हमारे यूएन में पीस कीपर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसे लॉन्च किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक, और इसमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है देख लेते हैं, कितनी कंट्रीज हैं। तो इसमें देखिए, इंडिया है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल। अच्छा, ये आया कब था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? तो ये आपका आया था 15 नवंबर 2012। ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा, 15 नवंबर 2022, सॉरी नॉट 12, 22, 15 दिसंबर 2022। ठीक है, ठीक, ये अंडर इट वाज लॉन्च ऑन ड्यूरिंग इंडियाज करंट प्रेसिडेंसी, जब इंडिया भी करंटली प्रेसिडेंट था यूएन सिक्योरिटी, नॉन परमानेंट। ठीक है, नॉन परमानेंट था प्रेसिडेंट जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तब इंडिया ने जो है इसे लॉन्च किया था, याद रखिएगा। और कंट्रीज के नाम तो आपको याद ही होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते। और ये कौन से रिजोल्यूशन के थ्रू पास हुआ है? रिजोल्यूशन 2589। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि
रिजोल्यूशन 2589 किससे रिलेटेड है? 2589 ये रिजोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है टू प्रोटेक्ट पीस कीपर्स ऑफ यूएन, ठीक है, उससे रिलेटेड है, जिसको इंडिया बांग्लादेश इजिप्ट फ्रांस मोरक्को एंड नेपाल लेकर आए हैं, ठीक है, लॉन्च किया है इंडिया के साथ, ये भी को चेयर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट है इंडिया इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। तो अभी इंडिया ने ये एक्ट लेकर आई है, कब ये पास हुआ है? लोकसभा में 22 जुलाई 2022 को, राज्यसभा में 1 अगस्त 2022 को ये पास हो गया है। ओके, द एक्ट गिव इफेक्ट टू अंटार्कटिका ट्रीटी जो है, और किसके किसको ये एक्ट इफेक्ट करेगी, मतलब इफेक्ट मतलब इसके अंदर में कौन कौन से, अब जब ये एक्ट बन गया है तो अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि अंटार्कटिक ट्रीटी जो साइन हुआ है उसको भी इंडिया इसमें फॉलो करेगी, इस एक्ट में जो है कि सभी को इन्वॉल्व किए, जिस ये जो भी प्रोविजंस है, जैसे कि अंटार्कटिक ट्रीटी का प्रोविजंस, कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड द प्रोटोकॉल ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ द टू द अंटार्कटिक ट्रेड्स, ठीक है, ट्रीटी, तो ये सब के जो भी प्रोविजंस हैं अब ये इस एक्ट में जो इंडिया ने बनाया है वो सभी इसमें इन्वॉल्व करके ऑल इंक्लूसिव ये एक्ट बना है, ठीक है, उसका मतलब यही हुआ, द एक्ट गिव इफेक्ट टू ऑल दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके की प्रोविजंस देख लेते हैं। अप्लाई किस पे अप्लाई होगा? टू एनी पर्सन, वेसल्स और एयरक्राफ्ट जो भी वहाँ पे अंटार्कटिका में जा रहे हैं, इंडिया का कोई भी पर्सन हो, वेसल्स हो और एयरक्राफ्ट अगर वहाँ पे अंटार्कटिक में जा रहा है तो ये जो एक्ट है उन सभी पे अप्लाई होगा। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ क्या क्या है? एक तो वहाँ पे मिलिट्री सेटअप नहीं करना है, डीमिलिटराइजेशन करना है ऑफ द रीजन अलॉन्ग विद गेटिंग रीड ऑफ माइनिंग और इलीगल माइनिंग को भी रोकना है, इलीगल माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज जो भी होंगे उसे कंट्रोल करना है, ये रोकना है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी, अब इंडिया ने प्रपोज किया है कि वो एक अथॉरिटी भी बनाएगी, नाम है इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी भी सेटअप करेगी, इसी एक्ट में उन्होंने ये सारे प्रोविजंस लाए हैं। तो आप याद रखिए क्या क्या प्रोहिबिटेड है, तो मिलिट्री प्रोहिबिटेड है, इलीगल एक्टिविटीज माइनिंग ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड, और किस पे इन्वॉल्व है, जो भी जाएगा वहाँ पे एनी पर्सन वेसल्स और एयरक्राफ्ट जो भी इंडिया का अंटार्कटिक में जाएगा उन सभी के ऊपर ये लागू होगा, ठीक है, ये एक्ट। फिर इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम, तो ये इंडिया लेकर आया है अफ्रीका के साथ, डिफेंस डायलॉग कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि द फेलोशिप गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इंडियन अफ्रीकन स्कॉलर टू प्रस्यू रिसर्च ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया, तो इसलिए ये लाया गया है कि ये अपॉर्चुनिटीज देगा अफ्रीकन स्कॉलर्स को कि आप इंडिया में आइए, वहाँ की जो रिसर्च करिए और सिक्योरिटी इश्यूज जो है इंडिया में वो सारे आप देखिए, स्टडीज करिए उसको, ठीक है। तो ये साइन हुआ है इंडिया और अफ्रीका के बीच में, साइन कब? गांधीनगर गुजरात में ये साइन हुआ है, ठीक है। इसका जो थीम था वो क्या है? अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि बस इन अफ्रीका वाले ही इंडिया में आएंगे, इंडिया के भी लोग जाके अफ्रीका के जो इश्यूज है वहां पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 14th इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन कहाँ पे हेल्ड हुआ है? अबू धाबी में, ठीक है, इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन अबू धाबी, हेल्ड इन अबू धाबी यूएई, को चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान। कितने का साइन हुआ है? कमिटमेंट टू अचीविंग अ गोल ऑफ बायलैटरल ट्रेड, उनको अचीव करना है कितने तक? $100 बिलियन का जो है उनको बायलैटरल ट्रेड जो है अचीव करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। और साइन हुआ है क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबारा
कंजर्वेशन, ठीक है, किसके लिए साइन हुआ है? ये इंडिया का इंस्टीट्यूट हो गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये यूएई का हो गया, इनके बीच में साइन हुआ है कि जो भी हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिकन, उनको कंजर्व करने के लिए। और ये दोनों ही बर्ड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है, ठीक है, दोनों ही बर्ड। और इंडियन इस ये कहाँ पे मेनली पाई जाती है? सॉरी, डेजर्ट जो राजस्थान में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल मीट। इंडिया और बांग्लादेश का जो है सेकेंड बिगेस्ट, इंडिया जो है बांग्लादेश का सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एशिया में, ठीक है। इंडिया जो है बांग्लादेश का सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एशिया में। चलिए देखते आगे क्या है। इन्होंने अभी जो डायलॉग हुए बायलैटरल मीट, उसमें एक बोला गया है कि जो हमारे बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है उसको जो है शुरू करना चाहिए। अब ये बीबीआईएन का क्या फुल फॉर्म है? बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल के बीच में जो मोटर व्हीकल एक दूसरे की कंट्रीज में मोटर व्हीकल के परमिशन देने के लिए विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसको बोला है कि जल्दी जल्दी इसको जल्द से जल्द इसको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यूएस एमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 5 ईयर प्लान 2020। तो अभी यूएस ने जो है सरपास कर दिया है किसको? चाइना को एज अ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। तो देख लेते हैं टॉप इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो पहले है, सबसे पहले पे है यूएस, एंड देन चाइना, देन सऊदी, सॉरी यूएस चाइना यूएई सऊदी एंड देन इराक। तो ये आप याद रखिएगा, टॉप 3 तो याद ही होने चाहिए, यूएस चाइना यूएई। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एंड कनाडा टू रीलॉन्च द सेपा। अब ये पहली बार कब शुरू हुआ था सेपा एग्रीमेंट? ये सेपा का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, लेकिन फिर से इश्यू आया है कि इसको फिर से रीलॉन्च करना चाहिए इंडिया और कनाडा के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इतना कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट्स के नाम दे रखे हैं इंडिया ने जिसके इसके साथ साइन किया, नॉट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक। ओके, अच्छा एक और पॉइंट यहां पे देखेंगे, ये जो है मारकोसर, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? मैरकोशर, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो इसमें आपका आता है अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड यूरोग्वे, ठीक है। ये 4 कंट्रीज इसमें आती हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड यूरोग्वे, ठीक है। ये 4 कंट्रीज के नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि इसके अंडर में कौन कौन सी आपकी कंट्रीज आती हैं। ये है, सॉरी वो देखा नहीं, मारक्योसर, ठीक है। मारक्योसर में कौन कौन सी? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ब्राजील, पाराग्वे, उरुग्वे, ये 4 कंट्रीज जो है मारक्योसर में आती हैं। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन है सबमिट कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो 3rd एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हुआ है कहाँ पर? तो ये फिलीपींस में हुआ है, एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग फिलीपींस में। कौन सा आइलैंड? बोराके आइलैंड, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा कि ये आइलैंड कहाँ पर है, बोराके, ये आइलैंड आपका कहाँ पड़ेगा? फिलीपींस में। थीम क्या था? थीम था आपका सिनर्जी टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। इसका एम क्या था? कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। इंडिया और ईशान के बीच में हुआ है डिजिटल वर्क प्लान 2020 थी, किस लिए? इन द सेक्टर ऑफ एआई, कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग इन द फील्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, या एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
एआई, ये सारी चीजों में जो है कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग करने का एम है ये, ठीक है। याद रखिएगा बुराके आइलैंड फिलीपींस। चलिए बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, शॉर्ट में इसको बोलेंगे बीबीएनजे। तो ये जो साइन हुआ था ये ट्रीटी ऑफ द हाई सीज के लिए ये लाया गया है, ठीक है। बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन किसने डेवलप किया है? एंक्लॉस के अंडर में ये डेवलप हुआ है, ठीक। अब एक तो ये देखेंगे, ये देख हम देखेंगे कि ये हमारा हाई सीज है क्या। तो ठीक है, हाई सीज उनको बोलते हैं जहां पे किसी भी कंट्रीज का जो है टेरिटोरियल लिमिट नहीं होता, मतलब उनके टेरिटोरियल लिमिट से बाहर होता है वो, उसी को बोलते हैं हाई सीज जोन, ठीक है। वो किसी कंट्रीज के अंडर में नहीं आता है। अब एनक्लॉज देख लेते हैं, एनक्लॉज क्या है हमारा? ये फॉर्म हुआ था 1982 में, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर कब बना था एनक्लॉज का? 1995 में, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि इन बना कब था, 1982 में, ठीक है, एनक्लॉज, और इंडिया इसको ज्वाइन किया था 1995 में। और ये ट्रीटी, सॉरी, ये जो आया है ट्रीटी ऑफ द हाई सीज, ये किसके बेसिस पे आया? तो जो हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? 2030 में, उसके अंडर में ये ट्रीटी ऑफ द हाई सीज लेकर आया गया है, ठीक है। जिसमें इसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि हम जो है 30%, एटलीस्ट 30% ऑफ ओशन को जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे बाय 2030, ठीक है। 2030 तक हम 30% ऑफ द ओशन को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये अब ये भी पूछ सकते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी किससे रिलेटेड है आपका? तो ओशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये ट्रीटी लेकर आए हैं। नेक्स्ट है आपका, आपका ये वन ओशन समिट कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, ठीक है। ब्रेस्ट, इन ब्रेस्ट कब हुआ था? 2022 में। तो याद रखिएगा वन ओशन समिट आपका कहाँ हुआ था? ब्रेस्ट, फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट है, 18th यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, तो ये कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस आपका हुआ है, यूआईसी का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, यूनियन इंटरनेशनल देस कैमेंस, ठीक है। और इसी को और भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, तो ये किसका है? ये है फ्रांस का, ओके। तो ये कहाँ पे हुआ है? यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जयपुर, इंडिया में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। थीम क्या था इसका? रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रेस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे कहाँ पर है? ये सेटअप किया गया था 1922 को, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, मैंने आपको बता ही दिया। और इसी तरह का इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स कब फॉर्म हुआ था? 1957 में, सॉरी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कब फॉर्म हुआ था? 1957 में। टैगलाइन क्या है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का? सेवा ही संकल्प, अ प्रॉमिस टू सर्व। ये टैगलाइन भी याद रखिएगा, सेवा ही संकल्प, अ प्रॉमिस टू सर्व। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ, तो अभी ये कहाँ पर हुआ है? इंडिया का इंडिया हेल्ड ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो है हुआ है, कहाँ इसको क्या और क्या बोलते हैं? रायसेना सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। इंडिया हेल्ड द सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ एंड टॉप ऑफिशियल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिसको क्या बोलते हैं? रायसेना सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं। और ये कब हुआ था? 1 मार्च को 2023 में, ठीक है, 1 मार्च 2023 में। और इसका फोकस क्या है? ग्लोबल सिक्योरिटी अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स एंड अमंग अदर्स, ठीक है। और इसको हेड कौन किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड और कौन था कॉन्फ्रेंस में? एड्रेस किसने किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने, ठीक है। ये किसके बेसिस पे ये रायसेना डायलॉग किया गया था?
मुनिक सिक्योरिटी जो कि सिंगापुर का है, नहीं एक मिनट, हाँ कॉन्फ्रेंस, और मुनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एंड सिंगापुर में भी इसी तरह का सैंग्रीला डायलॉग होता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द फॉर अगेंस्ट साइबर टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। ओके, अभी फर्स्ट टाइम ये जो है रायसीना डायलॉग कब हुआ है, 2022 अप्रैल में मनाया गया। हर बार कब होता है, मार्च में इसको बन किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज, लेकिन इस बार इस कॉन्फ्रेंस को अप्रैल में किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट मूवर कोलिशंस लीडरशिप मीटिंग, तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया था इन द फर्स्ट मूवर कोलिशन लीडरशिप। किसने ये ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विच डेलिब्रेटेड ऑन द वर्ल्ड नीड फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए, कि हमें क्लीन एनर्जी, फर्स्ट मूवर कोलिशन क्या है, किसके लिए है, ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। कहाँ पर हुआ था ये, देवोस स्विट्जरलैंड में। किसने करवाया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। देखिए इसमें क्या है, मैंने अभी बताया कि ये न्यू टेक सॉरी क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए था। तो हमारे ऐसे 7 सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कार्बन का एमिशन होता है, उसको डीकार्बोनाइज करने के लिए। तो जैसे हो गया सेक्टर्स लाइक हैवी इंडस्ट्रीज, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किया जाता है सामान, ठीक है, जिसमें से बहुत ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होता है, उन सभी को आप ये याद रखिए 7 सेक्टर्स की मेन लिस्ट में बात की गई है, ठीक है, जिसको डीकार्बोनाइज करना है। अब यहाँ देखिए ये स्टैब्लिश कब हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका स्टैब्लिश हुआ था 1971 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1971 जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है इसमें, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कोऑपरेट करते हैं। बिजनेस 20 B20 इंसेप्शन मीटिंग कहाँ हुआ था, गांधी नगर गुजरात में। अच्छा अभी न्यूली क्या ऐड हुआ है G20 में, कोई बताएगा, तो न्यूली आपका ऐड हुआ है, क्योंकि आप तो बताने से रहे तो मैं ही बताती हूँ, न्यूली ऐड हुआ है स्टार्टअप 20, ठीक है, जब इंडिया ने स्टार्ट किया है इसको स्टार्टअप 20। ओके चलिए, थीम क्या था इसका, रेज, ठीक है, रेज इसका थीम था। देख लेते हैं क्या फुल फॉर्म है, रेस्पॉन्सिबल एक्सिलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल इक्विटेबल बिजनेसेस। ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये B20 कब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है G20 में, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2010 में, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इंडिया होस्टेड द एनर्जी मिनिस्टर सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तो इंडिया ने होस्ट किया है एनर्जी मिनिस्टर सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये भी जो है G20 की प्रेसिडेंसी का पार्ट है, क्योंकि इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है इस बार, तो इंडिया ये ऑर्गेनाइज किया है। इसका थीम क्या था, एनर्जी सिक्योरिटी डेवलपमेंट रोड टू प्रॉस्पेरिटी। तो इसका थीम फिर से देख लेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इतना दे देगा कि ये किसका है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज हुआ था जनवरी में, इनॉग्रेट कौन किया था, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है हरदीप एस पुरी, उन्होंने इस एनर्जी सबमिट को जो है एड्रेस किया था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है उसको एड्रेस किया था। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया टेक्स ओवर लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तो जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है इसका लीडरशिप किसके पास आ गया है इस बार, इंडिया के पास। तो इंडिया इस बार कौन कौन सा कर रही है, SCO का भी, नहीं हाँ SCO का भी हेड है इंडिया, G20 भी इंडिया कर रही है, ठीक है, और एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन भी इंडिया के ही लीडरशिप में है इस बार, ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। हाँ अब ये जो है कहाँ पर हुआ था, 2022 में, एक मिनट, एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन 2022 में बैंकॉक में हुआ था, ठीक है, 2022 में, और इस बार 2023 का किसके पास है, इंडिया के पास है इसकी लीडरशिप।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि थाईलैंड ने पिछली बार इसको हेड किया था, और ये यहाँ पे बैंकॉक में मनाया गया था, सॉरी ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और ये जो है ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है, इसमें 32 मेंबर्स हैं कंट्रीज ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन के। ये जो है वनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इन द रीजन विच इज स्पेशलाइज। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन के ही कंट्रीज इसमें एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में जो है इन्वॉल्व है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि मतलब उसी रीजन के बस लोग रहेंगे। और ये किसका पार्ट है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसका पार्ट है, जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ये पहली बार है ये पहली बार है कि इंडिया जो है इसको लीड कर रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द पोस्टल सेक्टर में पहली बार इंडिया, ठीक। अगर पोस्टल सेक्टर में बोले ना तो बाकी तो वैसे बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन को है जिसको इंडिया लीड कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर एट द 12th सेशन ऑफ FAO's इंटरनेशनल गवर्न इंटरनेशनल सॉरी इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप। तो इंडिया जो है इलेक्ट हुई है, पहले ये देखते हैं ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है आपका? रोम में, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो 12th सेशन हुआ है इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस का, जो कि रोम में हुआ है, इंडिया को इसका वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो FAO का इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है उसका वाइस चेयरमैन किसके पास है? वाइस चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, ओके। इसका काम क्या होगा? टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। डोमेस्टिक एनिमल्स का उनके स्टेटस के बारे में देखना, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में रिसर्च करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस सेशन में की गई है, डायलॉग्स हुए हैं। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। तो ये किसने लॉन्च किया है? श्री अश्विनी वैष्णव ने इन्हें लॉन्च किया है, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन इन G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस एज पार्ट ऑफ G20 सब प्रेसिडेंसी। इंडिया जिसका पार्ट है इस वजह इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इस इवेंट को ग्रेस किसने किया? अमिताभ श्री अमिताभ कांत, जो कि G20 के शेरपा है इंडिया के साइड से, ठीक है। और इसका नोडल एजेंसी कौन था? मीटी, द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप। तो इसने इन्हें ऑर्गेनाइज करवाया है, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइज कर? स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन इन्होंने मीटी का है ये, और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है इंडिया में, मीटी ने। NSA मीट विथ सेंट्रल एशिया, तो ये फर्स्ट जो है इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग है, ठीक है, वो भी किस लेवल पे? NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे, ठीक है। ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 6 दिसंबर 2022 को। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आई थी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया के जो यहाँ पे दिल्ली में एम्बेसडर हैं उन्होंने इस समिट को जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से। तो ये पांच कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज जो है पहली बार NSA लेवल पे जो है इनकी मीट हुई थी। आशगाबाद एग्रीमेंट, ये कब? ये जो है आशगाबाद किसका कैपिटल है? तो ये तुर्कमेनिस्तान का है। ये क्या है एग्रीमेंट? इसके अंदर में क्या है? ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है जिसमें क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, ओमान, ठीक है, एक इंटरनेशनल जो है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसिट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ठीक है, जिससे जो हमारी गुड्स हैं वो इजिली जो है सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ से इजिली मूव कर सके, ठीक है। और ये लाया कब गया था? ये आपका लाया गया था 2016 में, याद रखिएगा 2016 में इसको लाया गया था। तो इंडिया भी है इसका पार्ट, ईरान है, पाकिस्तान है, ओमान है, बाकी तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ही, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ओके। कब लाया गया था? 2016, बता ही दिया आपको।
मेंबर्स भी बता दिए आपको, और इजिली सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के थ्रू इंडिया में जो है सामान एक्सपोर्ट जो है इजिली हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन सबमिट, ये कहाँ पे हुआ है? बिम्स्टेक का। ये आपका श्रीलंका में हुआ है। अभी बिम्स्टेक को हेड कौन करेगा, किसके अंडर में आ गया है? तो ये थाईलैंड के। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी किसकी प्रेसिडेंसी में है बिम्स्टेक? थाईलैंड के। और पिछली बार किसके था? श्रीलंका के। थीम क्या था? टूवर्ड्स अ रिसाइलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक एंड हेल्दी पीपल। और इसके देख लेते कौन कौन सी कंट्रीज है। टोटल 7 कंट्रीज है, ठीक है। कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। और प्लस साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, ये आया था आपका 1997 में, और बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये आया था। ठीक है, टोटल इसमें 21.7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, और जीडीपी कितना ये कंट्रीब्यूट करता है? 2.7 ट्रिलियन वर्ल्ड में। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं फर्स्ट फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, ये देखते हैं। फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज करवाया कहाँ किया गया था? बैगोर इंडोनेशिया में। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये फर्स्ट है। ठीक है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ हुआ है? बगौर इंडोनेशिया। ऑब्वियस बात है, इसमें स्टार्टअप्स के बारे में बात किया होगा, उसको कब तक अचीव करने का है। देखिए, इट इज बिटवीन एशियन मेंबर स्टेट एंड इंडिया एज हाईलाइटेड द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द इंडियाज एशियन इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर प्रॉस्पैरिटी बिटवीन। कब से कब तक का प्लान है? 2021 से 2025 तक के। हम अपने रीजन में जो है पीस बनाए रखेंगे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे एक दूसरे की हेल्प करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। G20 समिट 2022, अभी इसकी प्रेसिडेंस, पिछली बार इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। अभी किसके पास है? इंडिया के पास। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक आया था बाली लीडर डिक्लेरेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब इंडोनेशिया के पास ही प्रेसिडेंसी थी तब बाली लीडर्स डिक्लेरेशन आया था। चलिए, इसमें क्या था कि इन्होंने कंडेम किया था रशिया के एग्रेशन को, और क्या इसमें था प्रोविजन? फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक, ये दो चीजों के लिए ये आया था, जो रशिया का एग्रेशन है यूक्रेन के लिए उसको इन्होंने कंडम किया था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में थे बाली लीडर डिक्लेरेशन के अंडर में, और इन्होंने प्रेशराइज किया था अपॉन फूड एंड सिक्योरिटी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। फिर 19th एशियन इंडिया समिट, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था फोन पे कंबोडिया। ठीक है, और अभी इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। ठीक है, एशियान की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। ओके, पिछली बार किसके पास थी? कंबोडिया के पास। और ये 9th जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? कंबोडिया में, इंडिया एशियान समिट। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन जी और ए आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी इसकी प्रेस ये भी जो है इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी आ गई है। ठीक है, इसको इंडिया हेड करेगा। ओके, पिछली बार किसके पास था? फ्रांस के पास। द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल जीपीआई समिट विच वॉज हेल्ड इन, दो ये फ्रांस के पास था लेकिन इसकी मीट कहाँ हुई थी? टोक्यो में। ये चीज याद रखिएगा, जो ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एआई का, वो प्रेसिडेंसी तो फ्रांस के पास थी बट उसकी मीट जो हुई थी वो टोक्यो जापान में हुई थी। ठीक है, अभी इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी चली गई है। ओके,
फ्रांस में, फ्रांस के पास, फ्रांस हेड कर रहा था लेकिन मीट टोक्यो में हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 25 कंट्रीज हैं, जिसका यूएस, यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2020 में, इसका फाउंडिंग मेंबर था ये। मतलब जीपीएआई जो है 2020 में बना था, जिसका इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है। फिर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ओके, ये कहाँ पे हुआ, ये किसके बीच हुआ, किसने इसको किया? इंडियन नेवी ने इसको किया था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन नेवी ने। थीम क्या था इसका? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ठीक है, एम है डील विद जियो पोलिटिकल सिचुएशन इन द, जो भी जियो पोलिटिकल इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, लाइक काउंटर टेररिज्म के लिए और पायरेसी के लिए, ये सबको टैकल करने के लिए इंडियन नेवी ने इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है ऑर्गेनाइज किया था। फर्स्ट टाइम ये कब बना था, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कब हुआ था? फर्स्ट टाइम 2018 में, ओके, याद रखिएगा 2018 में। और 2022 में किसने कंडक्ट करवाया? इंडिया ने, बाय इंडियन नेवी। सेवेंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो ये कंडक्ट कौन कराता है? रशिया कराता है। 2015 में ये बना था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किधर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए? रशिया फार ईस्ट रीजन जो है, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रशिया जो है ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ये पहली बार हुआ था 2015 में, अभी इस बार भी रशिया ही, ऑब्वियसली बात है रशिया करेगा। थीम क्या है इसका? द पाथ टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था लॉस एंजल्स में, जगह याद रखिएगा कहाँ पे हुआ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, लॉस एंजल्स। और ये क्या था? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, और ये है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो ये लॉस एंजल्स में हुआ था। ऐसे यूएस और अदर पार्टनर जो है को जॉइंटली जो है मिलके इसको ऑर्गेनाइज कराया था, कहाँ पर? सॉरी, ये आपका इंडो पैसिफिक जो लॉन्च हुआ था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आपका 2022 में लॉन्च हुआ था, कहाँ पर? टोक्यो एंड जापान, टोक्यो जापान में। ठीक है, तो इंडिया भी इसका मेंबर है। अभी पिछली बार ही ये बना था, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 14 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएस। तो इसमें चाइना नहीं है, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, तो ये याद रखिएगा, इसके मेंबर्स नहीं है, ना कि नॉर्थ कोरिया भी नहीं है। ठीक है, ये बना था आपका 2022 में, कहाँ पर? टोक्यो जापान में। यूएस और जिसके अदर पार्टनर मिलके इनको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को बनाया था। इस साल मतलब पिछले साल इसको कहाँ पे इसका मीट हुआ था? मिनिस्टर मीटिंग फर्स्ट लॉस एंजल में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर मीटिंग। अब बना कहाँ था? टोक्यो जापान में। फर्स्ट I2U2, इंडिया, I2U2 का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इजराइल यूएई यूएसए, वर्चुअल मीट हुआ था। ठीक है, तो वर्चुअली हुआ था तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? ये इसराइल और यूएई के बीच में एग्रीमेंट हुआ था टू क्रिएट पीस इन द सेंट्रल एशियन रीजन। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? यूनाइटेड स्टेट, इसराइल और यूएई के बीच में, मतलब यूएसए जो है कोऑर्डिनेटर था इसराइल और यूएई का एग्रीमेंट कराने में, अब्राहम अकॉर्ड। तो याद रखिएगा किसके किसके बीच में है। और यूएई ऐसा थर्ड कंट्री है, अरब कंट्री है आफ्टर इजिप्ट और जॉर्डन, जिसने अपनी जो रिलेशनशिप जो है इसराइल के साथ बेटर करने में इनिशिएशन लिया है। ठीक है, इजिप्ट और जॉर्डन के बाद। नेक्स्ट है आपका G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसे G7 कंट्रीज ने जो है बनाया है, कहाँ पे? जर्मनी में। हु मेट एट लीडर्स समिट इन जर्मनी हैव ऑफिशियली लॉन्च्ड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा, अभी जब पिछली बार जब G7 का है,
प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास थी तब ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी किसके पास है? ये जापान के पास है, G7 की प्रेसिडेंसी। इसमें क्या था कि ये जो है एक कॉर्पस बनाएंगे, फंड बनाएंगे 600 बिलियन का, ठीक है। और क्या करेंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उस वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ओके। और ये किसके काउंटर के लिए लाया गया है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके काउंटर में इसको लेकर आया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन द साउथ रीजन, ठीक है, याद रखिएगा। इसको पहली बार अनाउंस किया गया था यूके में, जब यूके के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी, तो ये ऐसे प्लान्स पहली बार लेकर आया गया था वहां पर। और इसी का जो अगर देखेंगे तो बैक देन जो बाइडन थे वो इसी चीज को क्या बोलते थे, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, फ्रेमवर्क इसी का नाम दिया था, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसको क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्री में जो है इन्वेस्ट करके वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। 14th ब्रिक्स समिट, तो अभी ये ब्रिक्स समिट, अभी ये किसके पास है, इसकी प्रेसिडेंसी 2023 की, तो ये है आपकी अफ्रीका के पास, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और बेजिंग डिक्लेरेशन, इस जब ये चाइना के पास था तो उस समय बेजिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, जिसका मतलब क्या था, मेकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी, ठीक है। अब देखेंगे क्वाड समिट, क्वाड समिट आपका हुआ बना था ये इस्टेब्लिशिंग इन द वेक ऑफ जो इंडियन ओशन सुनामी आया था, उसके बेसिस पे ये क्वाड बनाया गया था, टू कोऑर्डिनेट ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। इसका कोई भी ऐसे मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है क्वाड का, ठीक है। अभी इसका वेन्यू कहाँ था, समिट वेन्यू 20 सॉरी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। जापान पार्टिसिपेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस, चार मेंबर हैं इसके, ये चारों के प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे पार्टिसिपेट किए थे, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिन्यू क्वाड स्टेड फास्ट कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। इन्होंने एक लॉन्च, क्या लॉन्च किया था, क्वाड मेंबर्स ने लॉन्च किया है क्वाड क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। तो पूछ सकता है, इस तरह क्वाड का तो नाम नहीं देगा, आपसे पूछ सकते हैं क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड माइग्रेशन, सॉरी मिटिगेशन पैकेज किसका है, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज कौन लेकर आया है, तो आपको याद रखना है ये क्वाड लेकर आया है, ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।